All right, hi everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. अच्छा. गोपाल का बर्थडे. किसका बर्थडे? सर गोपाल का. सर धर्म का उसके लिए गाएगा भी सर. अरे नहीं नहीं है मैं कभी बोल. ध्रुवेल झूठ मत बोल. ध्रुविल ने पिछले क्लास में गाना गाया था क्या? नहीं नहीं सर ने उसने बोला वो गाने गोपाल के लिए गाएगा. अच्छा, बोला वो जीजे के बेस्ट फ्रेंड था. अच्छा ऐसा तुम लोगों को इतना इसके गाने सुनने का क्यों मतलब मन है? सर ने जीकेएम सर की क्लास में बहुत बार गाया ना इसने, इसलिए अभी समझ में आ गया. कभी नहीं गाया मैंने, झूठ बोल रहा है. चल कभी गाया वो? खाली एक बार गाया था बस, पहले पहले में, बाकी कभी नहीं गाया उसके बाद से. तो ऐसे वाले तो नहीं जिससे मतलब हमारे कान के पर्दे फट जाएं. हम लोग सर आप ना गाना मत करो, आप अब से ना कोई डायलॉग वाला कुछ बोलो तो बेस्ट. हाँ ये फिर भी ठीक है. अच्छा चलो अभी अपन फोकस करते हैं ऑन द टॉपिक एट आवर हैंड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड फिलिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप नोटिस करो दैट व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस, ठीक है, व्हेन यू आर लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल, आपको उसका स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया था लास्ट क्लास में, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड. अब उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका हमें एक नॉलेज होना चाहिए, राइट? वी शुड नो विच एलिमेंट गोज वेयर. उस एलिमेंट का नाम, उस एलिमेंट का सिंबल हमें काफी क्लियरली याद रहना चाहिए. टू स्टार्ट विद फोकस हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पे रहेगा. थोड़ा बहुत हम लोग डी ब्लॉक भी देखेंगे. एफ ब्लॉक तो वी विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट राइट नाउ. ठीक है, दिस मच विल बी समथिंग दैट वी शुड बी एबल टू look and you know understand कि कैसे इसको हमें याद रखना है. तो सबसे पहले हम लोग अल्कली मेटल्स पे जाते हैं. Now most of you have some understanding about these elements and आप लोगों ने like in a linear manner atomic number 1 से लेकर atomic number 20 तक I think elements याद किए होंगे. Sir 30 ना? ठीक है, 30 तक भी अभी कर लिए होंगे बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर में जरूरत पड़ी थी 21 से 30 याद करने की. बट अब जब हम इस चैप्टर में एलिमेंट्स याद करेंगे तो मैं आपसे इंसिस्ट यही करूंगा कि जब हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को याद करेंगे तो वी विल ट्राई टू रिमेंबर देम डाउन द ग्रुप. ठीक है, दैट इज द काइंड ऑफ लर्निंग विच विल बी मोर यूजफुल. दैट इज समथिंग विच विल बी ऑफन आस्क्ड इन क्वेश्चंस ऑल्सो. And it will become much convenient for you if you remember the S block and P block in this down the group. Okay. सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अल्कली मेटल्स से, राइट? तो कौन गाना गाना चाहेगा अल्कली मेटल्स का? सर मैं बोलूं? हाँ बताओ बताओ. हाली ना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. अच्छा तुमने दोनों ही बता दिया, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के. हाँ सर. तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू रिमेंबर दीज एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप, राइट, देर आर दीज निमोनिक्स दैट वी यूज विच आर प्रिटी मच बेस्ड अपॉन द इनिशियल अल्फाबेट्स ऑफ द एलिमेंट्स, राइट? जैसे यहाँ पे आप नोटिस करोगे इन द अल्कली मेटल्स द एलिमेंट्स दैट गो आर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीशियम एंड फ्रैंशियम. फ्रैंशियम वैसे रेडियो एक्टिव है, नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा. वी डोंट नीड टू रियली लाइक फोकस टू मच ऑन इट. ठीक है, तो इसको याद करने के लिए अब निमोनिक क्या है? लीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्रेश. बिल्कुल, बहुत सारे वर्जन रहेंगे. ठीक है, कुछ कुछ
एक्सेप्टेबल वर्जन है, कुछ कुछ अनएक्सेप्टेबल वर्जन भी हैं. ठीक है, लास्ट आई हर्ड देर इज सम लाइक अडल्ट वर्जन ऑफ निमोनिक्स दैट हैज आल्सो बीन क्रिएटेड. सर सर बोलो ना सर, पहले ग्रुप के हैं सर, उससे सब ऑलमोस्ट सबने याद किया वैसे. हम लोग सभ्य शिष्ट और समझदार बच्चों की तरह रहेंगे. सर आप ग्रुप पे मीम सेंड कर दो, हम देख लेते हैं. हाँ सर, हाँ सर वो चलेगा. हम लोग मतलब मुझे फंसना नहीं है, मतलब तुम लोग मतलब मजाक मजाक में मेरा ऐसे नहीं सर, हम लोग ऐसे तो क्यों फंसाएंगे हम लोग सर, आपको फंसा के क्या मिलेगा? आप हमें आसानी से फंसा पाओगे सर. वो जाइडेड ड्रग्स सर, पावर तो आप में है ना, आप तो नो 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 एब्सोल्युटली नो. ग्रुप पे हाँ, मानव ने सही में पॉइंट आउट किया, ग्रुप पे पेरेंट्स भी हैं. ठीक है, तो तुम लोगों का तो कुछ जाएगा नहीं, तुम लोग तो बच्चे हो करके निकल लोगे, नाम तो मेरे ऊपर आएगा. सर पर्सनल पे भेज देना सर. हां दोस्तों हो सकता है पर्सनल. सर आप गोपाल को भेज दो ना, तुम्हारा एज ग्रुप बहुत कन्वीनिएंट है. तुम्हारे एज ग्रुप में यू कैन लाइक एट टाइम्स से एंड गेट अवे विद थिंग्स बाय सेइंग कि अरे इमैच्योर है, बच्चे हैं, समझ में नहीं आता होगा, ठीक है हो जाता है. राइट, एंड तुम्हारी एस्पिरेशन सारी बड़ों वाली हैं, मतलब तुम्हें वो सब चाहिए जो बड़े लोग करते हैं, लाइक यू वुड वांट दिस दैट व्हाटएवर इट वांट्स. सर मुझे याद नहीं रहता ये न्यूमोनिक्स है सर वो वाला. अरे तुम लोग बहुत चालू हो भाई, मतलब तुम्हारे सीनियर बैचेस ने बहुत बार मुझे फंसाया है. नहीं सर हम लोग नहीं फंसाए गए. नहीं 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 मैं विश्वास करता ही नहीं हूँ. तुम में से एक भी ऐसा निकल गया जिसको मतलब मेरी शक्ल पसंद नहीं है, मेरा नाम पसंद नहीं है, एंड दे आर लाइक कि नहीं ये तो मतलब पकड़ लिया. सर आपको कौन पसंद है? ऐसा कौन सर? सर मैं आपको ऐसा आप हितैषी है सर? नहीं नहीं ऐसे मिल जाओ सर. ध्रुव को तो लगता है कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, उसको बोल दो. हां सर, सर कल ही मैंने तारीफ की थी आपको सर. मैं आपको पर्सनल चैट में डालूंगा सर, आप भेज दे. और भी है ना बच्चे. सर आप मुझे तो डाल सकते हो पर्सनल चैट में. आपसे कैसे ट्रेस होगा? ध्रुव तो बोलेगा मुझे इंटरनेट पे मिला. हां सर मुझे डाल दो ना सर, चलेगा. तुम लोगों का ऐसे अनऑफिशियल ग्रुप बना है कि नहीं बना है? हां बना है सर. जिसमें कोई भी पेरेंट्स बच्चे देखो जिन जिनको पढ़ना उनको पढ़ने दो, तुम लोग सब पढ़ के बैठे हो, बेचारे जो पढ़ के आए उनको पढ़ने दो. है कि नहीं आदित्य? लाइक यू फाइंड ऑल दिस रबिश नो, वेस्ट ऑफ टाइम. You find all this waste of time. This is like sheer waste of time that is happening. Precious time of the class being lost because of all such nonsensical activities being done. I don't know, sir. Sir, उस बिचारे को क्यों फंसा रहे हो? आंसर दिया. हाँ sir. फंसा, you know, he is one of the most honest kids in the class. Sir, मैं भी honest हूँ sir. One of the बोला ना. हम भी honest हैं. Sir, कौन बोला था कौन है? Sir. Anyway. चलो एंड में बात करेंगे, अजय पढ़ा दीजिए. सो यहाँ पर अल्कली मेटल्स याद रहेंगे सबको. क्या इसका मेमोनिक? हली ना की रब से फरियाद. ठीक है, सो यू रिमेंबर दीज एलिमेंट्स थ्रू दिस मेमोनिक. एंड ऐसा नहीं कि मेमोनिक याद कर लिया तो मतलब बाद में पूछ रहा हूँ कि ये कौन से एलिमेंट का सिंबल है तो आप रब बोलने लग जाओगे. सर रब का होगा. यू शुड ऑल्सो नो द नेम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स. ठीक है, आरबी स्टैंड फॉर रुबीडियम. ठीक है, मैं आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ बट नॉट विद एन एक्सपेक्टेशन कि आज के आज आपको सब चीजें याद हो जाएंगी. ठीक है, विद टाइम डेफिनेटली यू विल रिमेंबर बेटर. ठीक है, ऑल राइट. सो ये अल्कली मेटल्स का ग्रुप हो गया. देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में you have beryllium, magnesium, calcium, strontium, radium. ठीक है, तो ये एलिमेंट तो याद होने चाहिए, उनके सिंबल्स भी आपको याद रहने चाहिए. फोर्थ वाला कौन सा है? हाँ, मेमोनिक जो है वो मैं बताता हूँ. beryllium, magnesium, calcium, strontium, SR है ये. ठीक है,
SR stands for strontium, barium and radium. ठीक है, इसका mnemonic जैसे बताया, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजे। तो लगता है शिवांश के पेरेंट्स हैं। हाँ सर। हाँ, शिवांश के केस में राजी होगा। देन जो भी नालायक है जैसे यहाँ पे ध्रुविल है तो उसके केस में होगा बेटा मांगे सर, बराबर सर, बाप रोए, बाप रोए, बराबर। ठीक है, तो डिपेंड करता है किसके पेरेंट्स कितना प्यार करते हैं। मुझे नालायक बोल दिया आपने सर, ठीक है सर। हु इज द मिडिल चाइल्ड और हु इज ऐसे लेस फेवरेट, फिर सिंगल चाइल्ड का क्या होगा। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम कम फेवरेट हो अपने मम्मी पापा के। हाँ सर, अरे सर, मेरी मम्मी ने तो मेरे को बोल दिया कि मेरे को कि आई लाइक योर सिस्टर मोर। मुझे भी। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होती है एंड आई थिंक ओनली द पर्सन देमसेल्फ आर एबल टू फिगर इट आउट ओवर टाइम, बट इट इज अ फनी क्वेश्चन टू बी प्रूव्ड। जगह नहीं है बट इन योर नोट्स यू शुड राइट दीज मेमोनिक्स इफ यू नो देम ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है। नहीं आते हैं तो याद करने में हेल्प रहेगी। सर, हाउ कम हाइड्रोजन कम्स इन फर्स्ट ग्रुप? इट इज मतलब नॉट रियली अ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी नोटिस करोगे ना तो एनसीईआरटी में ऐसे यहाँ पर एच बना दिया है, ऐसे अलग से बीच में शो कर दिया है कि बोले यहाँ पे डाल देते हैं। तो डोंट वरी टू मच अबाउट दैट कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों डाल दिया है। इट इज इन जनरल आईयूपीएसी टेबल डिफरेंट कलर में है ना, बट इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ज्यादा नॉन मेटल से मैच करती है एज कम्पेयर टू मेटल्स। बट अब वो जो कॉन्फिग्रेशन वाला हम लोग लिख रहे थे, यू नो एस ब्लॉक में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे डाल दिया। अब वही चीज लेकिन हीलियम के साथ में नहीं करी। ठीक है, तो अब ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड हम तो करते नहीं है, अगर हमें मिलेगा तो हम लोग तो कुछ और भी सोचेंगे। ठीक है, बट जो लोग डिसाइड करते हैं उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया दैट हमको हाइड्रोजन इधर डालना है, हीलियम इधर डालना है। ठीक है, थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स रहेंगे बट दोज आर ओके टू वर्क विद। ठीक है, अच्छा अब नोटिस करना, भी हम लोग पी ब्लॉक में आ जाते हैं। पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली पे क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे? सो बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसके नीचे का अब रेडियो एक्टिव हो गया तो उन सब के बारे में आपके साथ में क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाएंगे, डिस्कस भी नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इतने आप ध्यान में रख लो। बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो या बैगेट बोल दो ना। हाँ, मतलब जो ज्यादा अंग्रेज हैं, बाल गंगाधर तिलक टाइटैनिक। ठीक है, हम लोग जितना अपना नेटिव लैंग्वेज में चीजें देखते हैं उतना अच्छा लगता है, याद आता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे रहते हैं। एक किसी ने क्या बताया था, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर तिलक इन टाइटैनिक, बाल गंगाधर इन टाइटैनिक। हाँ ठीक है, बाल गंगाधर इन टाइटैनिक, या फिर मुझे जो याद रहता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, इसका वंश फर्स्ट ग्रुप का था हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, दैट वाज द मेमोनिक। अच्छा, नेक्स्ट यहां पे नोटिस करना, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे? कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, एस, पीबी, लेड। ठीक है,
इसको याद करने के लिए। कहे सीताजी सुनो प्रभु, अगेन काफी सारे मेमोनिक्स है। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, वो वाला वैसे ठीक है, ये एक रहेगा सर, ये याद हो जाएगा। SN is tin, ठीक है, PB stands for lead, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे elements हैं जिनके abbreviations aren't matching with the modern names, they used to match with their older names. तो tin का पहले नाम stannum था, stannum, stannum, plumbum था, plumbum, ठीक है। तो that's okay, यहाँ पर we come up with this understanding. Carbon, silicon, germanium, tin, lead, right? Chemistry sir gives sun ki problems. Okay, इस तरीके से याद रखेंगे। और आप लोग लिखना, मैं इसके बाद quiz करूंगा आप लोगों का, ठीक है। So make sure that you write down those mnemonics and then we will do an activity of connecting those mnemonics with the elements. So what's after germanium? Germanium के बाद में है SN, ठीक है। SN stands for tin, tin, tin या stannum, या stannium, stannum होता है, stannium होता है, stannum, stannum, हाँ stannum होता है, right? अभी nitrogen family, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली का एक और कॉमन सा नाम बोला जाता है निक्टोजेंस, ठीक है। एज फार एज आई नो पीस आइलैंड होता है, ठीक है, बट आई एम नॉट 100% श्योर, हो सकता है एन भी साइलेंट हो, तो इनको पिक्टोजेंस बोल रहे हो। स्पेलिंग तो यही है इसकी, ठीक है। अगर आपको बेसिकली याद रखना है कि स्पेलिंग क्या है, तो उसको पनिक्टोजेंस भी बोल सकते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे इसमें नाइट्रोजन फैमिली में? नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस बी एंड बी आई, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, स्टैंड्स फॉर एंटीमनी, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखने वाला पर्टिकुलर अगेन सिंबल है। एस बी स्टैंड्स फॉर एंटीमनी, ठीक है। बी आई स्टैंड्स फॉर बिस्मथ, ठीक है। इसको याद करने का मेमोनिक बताओ। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, सौ रुपया और सब बेईमान, सब भिखारी, सब बेईमान, ठीक है। और भी सब भिखारी, अच्छा है, सब बिक गए, सब बिक गए, ये भी चलेगा, ठीक है। मैंने जो याद किया था वो यही था, नाना पाटेकर, ऐश्वर्य, सब बिंदास। सर आप एलिमेंट नेम्स रिपीट कर सकते हैं? हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, SB stands for antimony, BI stands for bismuth, ठीक है। हाँ, नहीं वो metal metalloid में थोड़ी देर में बात करूंगा, पहले एक बार fill कर लेते हैं, then I will talk about metal metalloid. तो ये nitrogen family समझ में आया, इसका mnemonic समझ में आया आप लोगों को? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है. Then comes the oxygen family, right? अब जो बच्चे ज्यादा इंग्लिश पढ़ लेते हैं, ज्यादा लाडीडा एक्सेंट की हो जाते हैं, वो इसको बोलेंगे कैल्कोजेंस। नहीं सर, चौकोजेंस ही है, कैल्कोजेंस क्यों बोलेंगे इसको? बोलते हैं ना सर, टंग रोल करने की आदत होती है कुछ लोगों सर, देसी एक्सेंट में बोलना है सर, सब लोग इंडियन ही। चालकोजन, फाइनल चालकोजन, चालकोजन। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट रहेंगे नोटिस करना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, देन सेलेनियम, टेलुरियम एंड देन पोलोनियम,
ठीक है, क्या रहेगा इसका निमोनिक? उससे टीपो, स्टाइल से टीपो, वो स्टाइल से टी पीओ, ठीक है, वो सो कैन यू टी पीओ, और भी बनते हैं, टीपो भी बोलते हैं, टीपो आई थिंक काफी बच्चों को समझ में नहीं आता, डू यू नो व्हाट टीपो मींस? नो सर, कॉपी, हाँ, मतलब लाइक यू नो द आर्ट रियली वेल, इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट फैमिलियर विद द वर्ड. नहीं सर, पोजरा स्टाइल से टीपो, वो स्टाइल से टीपियो, राइट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, नाम भी धीरे धीरे याद होंगे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज के आज याद आ जाए, ठीक है. इंडियम के नीचे थैलियम है, किसके नीचे? इंडियम के नीचे, इंडियम के नीचे थैलियम, यस. सो पीओ स्टैंड्स फॉर पोलोनियम, ठीक है. एक्चुअली यहां से आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, इनफैक्ट ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, खैर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे भी मिलते ही हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लाइन का नेचर अंडर स्टडी है ना, हाइड्रोजन का भी जो एलिमेंट है ट्रिटियम आइसोटोप जो है वो भी रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, बट द मोर अबंडेंट आइसोटोप्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नॉन रेडियो एक्टिव, जो ये नीचे कम एटोमिक वेट वाले एलिमेंट्स होते हैं इनके, ठीक है. इसके आगे के जो एलिमेंट्स रहते हैं लेड के आगे के, ठीक है, इनफैक्ट बिस्मथ, सब पोलोनियम भी रेडियोएक्टिव है ना, हाँ, तो इनके जो आगे के एलिमेंट्स हैं, इनके जो आइसोटोप्स हैं, दे आर प्राइमरीली रेडियोएक्टिव इन नेचर, ठीक है, तो हम लोग उनके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं इस चैप्टर में, ठीक है. आप नोटिस कर रहे हो कि तो मैं यहीं तक पी ब्लॉक का डिस्कशन कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग वन बिलो, ठीक है, वी डोंट रियली नीड टू गो देयर. अच्छा, देन आप नोटिस करो, हैलोजन्स में कैसा रहेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, एटी सिंबल रहेगा उसका. सो इसमें कैसे कैसे आपके मेमोनिक्स रहेंगे? मतलब मल्टीपल है, मतलब मुझे जो याद है वो है फिर कल बाहर आई आत्मा. अब तो क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है, ठीक है. फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, दैट इज अ मोर सोबर सभ्य वन. नहीं सर, हम लोग सभ्य नहीं, ठीक है, बट आई थिंक फिर कल बाहर आई आत्मा इज अ बेटर वन. सब कार्बन फैमिली का रिपीट कर सकते हो? हाँ, कार्बन फैमिली का निमोनिक, यस सर. केमिस्ट्री सर गिव्स सर फिर ऑक्सीजन फैमिली का भी रिपीट कर सकते हो? ओ स्टाइल से टी पी ओ का मतलब क्या हो? मतलब चाय, टी स्टैंड्स फॉर चाय, पीना मतलब पियो, और बाकी तो आज समझ में आ जाएगा ना, स्टाइल से पीने का है, ठीक है. हां सर, थैंक यू. ऑलराइट, देन हैलोजेंस में you have helium, neon, argon, krypton, xenon and radon, ठीक है. radon stands for rn, ठीक है. ये radium था, ये radon है, ठीक है. confuse होते रहते हैं elements कई बार बच्चे, but धीरे धीरे याद हो जाएगा. arsenic, हाँ, arsenic is as, ठीक है. astatine is at, it is not as. fr is francium, ठीक है. now
हैलोजेंस का जैसे मैं बता रहा था आपको, हैलोजेंस क्या बोला सॉरी, नोबल गैसेस का, ठीक है, नोबल गैसेस का कैसा रहेगा, हीना नीना और करीना, जेरोक्स रंगीन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब नॉट दैट ग्रेट बट स्टिल फनी टू रिमेम्बर. सर ज़ेरॉक्स क्या? ज़ेरॉक्स रंगीन. ठीक है सर. कलर ज़ेरॉक्स. कलर ज़ेरॉक्स. हे नीरज आओ करें एक्सरे. हाँ क्या बताया तुमने? हे नीरज आओ करें एक्सरे. हे नीरज आओ करें एक्सरे. मतलब साउंड्स वेरी वियर्ड बट सो आर दी अदर्स ऑल्सो. ये भी चलेगा. फिर आपने हीना नीना वाला क्या बोला था? हीना नीना और करीना. सर एक और है. हाँ हाँ बताओ. He never arrived करा जीरो पे रन आउट. He never arrived करा जीरो. करा जीरो पे रन आउट. ये भी अच्छा है. Like this is a true cricket fan. Coming up with a mnemonic more relatable to what he likes. ठीक है. अब मेरे को तो पुराना याद है क्या, तो मैं तो उसी से काम चला लेता हूँ. Although it sometimes is funny when we are doing questions in the class and then I have to remember कौन सा element कहाँ पर था and I start reciting these mnemonics. ठीक है. तो आपको ये S block P block का idea लगा? कैसा रहेगा? Yes sir. Yes sir. Yes. ठीक है. यू नीड टू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ द ग्रुप्स ऑल्सो, देयर कॉमन नेम्स. लाइक ग्रुप नंबर तो आपको याद है सही, 1, 2, 3, 4 वाले तो, बट ये जो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या फिर ये जो मैंने नाम बताया इन ग्रुप्स के, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखोगे. ठीक है. अब डी ब्लॉक के ऊपर भी फोकस कर लेते हैं. क्या बताया तुमने? बेगम का सर 12. अच्छा, रेफरेंस टू रावण. बेगम का सर 12. नहीं, बट इट डजंट साउंड दैट गुड. इट इजंट एज बेटर एज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए. ठीक है. अच्छा, देन यहां पर जो डी ब्लॉक है, ठीक है, डी ब्लॉक में जैसा मैंने आपको बताया था, डी ब्लॉक में वी वुड प्रेफर टू रिमेंबर द नेम्स नॉट डाउन द ग्रुप बट अक्रॉस अ पीरियड. ठीक है, दैट इज एक्चुअली अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इन डी ब्लॉक. ठीक है. तो डी ब्लॉक का पहला रो आपको याद है? Yes. Yes. पहले रो में हम लोगों ने कैसा करा था? साइंस टीचर लाइक स्कैंडियम. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एंटायर सीरीज. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये एंटायर सीरीज होगा, इसका कॉमन नाम जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है 3D सीरीज. ठीक है, इसको कॉमनली 3D सीरीज बोला जाता है बिकॉज इसमें एलिमेंट्स 3D सबशेल में फिल हो रहे होते हैं. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर. साइंस सर, इसका एक बेटर निमोनिक्स है, मांगे फिकू निकू सिंह. ठीक है, या फिर कौन सा बोला था तुमने एक बार? स्टीवर एसटी वडोदरा कॉर्पोरेशन मा फेको निकुंज. तो मतलब एकदम सर इधर बहुत इंटरेस्टिंग रिलीज हुआ था एक निमोनिक. बताओ बताओ.
सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे ऐसा, वो ठीक ठाक नहीं है, मतलब बाबू है ना एडल्ट टाइप का है तो बोलो नहीं, तुम्हें चैट में लिख के भेज दो, बट आई थिंक शायद मैंने सुना हुआ है वाला। हाँ सर, फ्लैगशिप में सुना होगा आपने। हाँ देन जो इसके नीचे वाला रो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4D सीरीज, उसको 4D सीरीज, उसके नीचे वाले को 5D सीरीज, डिपेंडिंग अपॉन द लाइक एलिमेंट्स दैट गेट फिल्ड ओवर है उनके इलेक्ट्रॉन्स 5D सबशेल में फिल होता है। ऑल्दो यू डोंट नीड टू रिमेंबर 4D सीरीज एंड 5D सीरीज एज ऑफ नाउ, ठीक है, ये आपके ऊपर लोड बढ़ा देता है, बेटर है दैट आप फोकस उन्हीं पे करो जितना मैं बता रहा हूँ आपको। सो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड देन डी ब्लॉक में फोकस ऑन द फर्स्ट रो इटसेल्फ। ऑल्दो ये 4D सीरीज 5D सीरीज काम आएंगे, बट मे बी व्हेन यू आर लर्निंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाद में, तब आप इनके ऊपर वापस आ सकते हो। इनके भी फनी फनी निमोनिक्स है, जैसे आई रिमेंबर ये 5D वाले का ऐसे थे, इसमें लैंथेनम, हाफनियम, ऑस्मियम, ठीक है, फिर टंगस्टन, देन रेनियम, ऐसा कुछ है शायद, रेनियम रेनियम, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, देन ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, ऑस्मियम के कॉइंस, मर्क्यूरी, ओएस जो भी लिखा है, एंड मर्क्यूरी, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो इसका भी एक अच्छा मुमानिक बनता है ऐसे, ला हफ ता, नहीं यहाँ पे कुछ मिस कर दिया मैंने सर, वो टेंटेलम आपने मिस कर दिया सर, टेंटेलम इसके बाद टी आएगा सर, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पर ऐसे जो ला हफ ता वरना रे, हाँ करेक्ट, उसामा से ईरान में पिटवाऊंगा, ठीक है। तो ये मेमोनिक से मुझे याद रह जाता है। सर मैंने आपको वो वाला मेमोनिक भेजा है। अच्छा कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा, ठीक है, अच्छा है, गुड वन, ठीक है। बट आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें 4D सीरीज, 4D सीरीज में भी कुछ अच्छा है, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली राइट नाउ, बट उसमें कुछ आता है एंड में ऐसे मोटा टकला समथिंग, मॉलिबेडनम और टेक्नीशियम के अराउंड, ठीक है। हाँ ये भी अच्छा है, अक्षत का, अक्षत का ऐसा लग रहा है दिल से आ रहा है, स्कूल टिफिन वेरी क्रूअल क्रूशियल, अच्छा स्कूल टिफिन वेरी क्रूशियल, अच्छा नहीं क्रूअल ज्यादा अच्छा था वैसे, मांगो फैंटा कोक नींबूज और कॉपर, कॉपर का मिस कर देते सर, कुकुम्बर था वो मिस हो गया, नींबू कुकुम्बर झींगा लाओ, ठीक है। सो इसमें 3D सीरीज तो आप याद कर लोगे, इसके अलावा व्हाट आई वुड आस्क यू टू रिमेंबर इज दैट जिंक के नीचे के एलिमेंट, जिंक, कैडमियम, मर्करी, ठीक है, ये ध्यान में रखना, कॉपर के नीचे सिल्वर एंड गोल्ड, AgAu, और निकल के नीचे पैलेडियम, प्लैटिनम, ठीक है, इतना पार्ट और आप याद में रख लो, ठीक है, जिंक, कैडमियम, मर्करी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ठीक है। इनफैक्ट आपको ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए थे, एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ सर, यस सर, ये हम लोग देखेंगे, यूज भी करेंगे, बट अभी के लिए पीडी का फॉर्म क्या है, हाँ पीडी का नेम क्या है, पैलेडियम,
ठीक है ओके सर सर जिंक के नीचे क्या है जिंक के नीचे है कैडमियम ठीक है कैडमियम और उसके नीचे है मर्करी ठीक है तो ये ध्यान में रखोगे हाँ सर ऑल राइट नाउ अब यहां पे नोटिस करना आफ्टर लर्निंग ऑल दीज एलिमेंट्स कपल ऑफ अदर थिंग्स विच यू शुड ऑल्सो रिमेंबर lanthanides and actinides in F block ठीक है उसमें एक्चुअली हम लोग एलिमेंट्स याद नहीं रखेंगे बट एटलीस्ट हम लोग इतना याद रख लेंगे दैट ये जो F block के एलिमेंट्स हैं इसमें जो पहला रो है उसको lanthanide बोलते हैं और दूसरा रो actinide बोलते हैं ठीक है इतना आप ध्यान में रख लो एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है आपको इतना ध्यान में रखने की अच्छा यहाँ पर एक जो मैंने पहले बताया था वो जरूर याद रखना लैंथेनम और एक्टिनियम ठीक है दे एक्चुअली आर रिटन ओवर हियर इन द डी ब्लॉक रादर देन बिलोंगिंग टू लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज एंड आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका रीजन भी बताया था बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन गेट्स फिल्ड इन द डी ऑर्बिटल यस सर ठीक है अच्छा हैविंग सेड दिस यहाँ पे आप नोटिस करना एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस उनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं ठीक है दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स देन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स That is another name that is given to them. However, zinc, cadmium, mercury, okay, so zinc, cadmium, mercury, they are not included in the classification transition elements. Okay, D block mein unko bolenge, zinc, cadmium, mercury, they are part of D block, but they are not considered as part of transition elements. Transition elements was a name given to these elements which show variable valency. Which have unpaired electrons in their configuration. Okay, यहाँ पर इन सब में you find unpaired electrons, but when it comes to zinc, cadmium, mercury, they don't have that unpaired electron in their configuration or their common ions that form the compounds. तो उसकी वजह से they don't show many properties which are shown by transition elements. Like because of this unpaired electrons. The transition elements show paramagnetic behavior, show color, ठीक है तो वो सब ये zinc, cadmium, mercury के ions नहीं show कर पाते हैं ठीक है and then F block के elements are called as inner transition elements, ठीक है ये common नाम रहेगा associated with these blocks, ठीक है समझ में अच्छा देन आप नोटिस करना यहां पर हाइड्रोजन एज वेल एज बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ठीक है द इंटायर नोबल गैसेस ठीक है नहीं एस्टेटिन नहीं एस्टेटिन मेटालॉइड में रहता है आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन देन टेलुरियम भी नहीं रहता सेलेनियम सल्फर आर्सेनिक भी नहीं रहेगा फॉस्फोरस ठीक है ये आपके कॉमन नॉन मेटल्स रहेंगे इन द टेबल ठीक है देन सिलिकन जर्मेनियम आर्सेनिक ठीक है एंटीमनी टेलुरियम पोलोनियम एंड एस्टेटिन दीज आर क्लासिफाइड एज मेटलॉइड्स दे शो प्रॉपर्टीज विच आर सिमिलर टू मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स ठीक है देन इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं Like this entire S block, this entire D block, and some of the elements that are there in P block are classified as metals.
सर बोरॉन मेटलॉइड है ना? हाँ, बोरॉन को हम लोग नहीं नहीं बोरॉन को हम लोग नॉन मेटल की कैटेगरी में डाल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली ये कंफ्यूजन है दैट बोरॉन को किधर डाला जाए, बट अगर हम एनसीईआरटी फॉलो करें, ठीक है, तो एज पर एनसीईआरटी बोरॉन को नॉन मेटल बोला गया है, नॉन मेटल कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो हम लोग बोरॉन को नॉन मेटल कैटेगरी में डाल रहे हैं। मेटलॉइड हम लोग सिलिकन से स्टार्ट कर रहे हैं सर, बट लाइक मतलब हमको पता है ना कि बोरॉन एंड सिलिकॉन silicon have same properties, so metalloid होना चाहिए ना? नहीं, so of course there are certain properties which you are, as I'm saying and you are pointing out, are similar. Yes. However, in case of this controversy, what I'm asking you is refer to NCERT. Okay, take that as something which we'll need to follow in case certain such confusion arises. ठीक है? Yes, sir. हाँ, अभी वेरी गुड, अक्षत ने मेटलॉइड्स का भी mnemonic बताया है। What is the mnemonic for metalloids? किसी को याद है? सीता गीता आस्था सबको टेनिस पोलो आता। क्या सर? सीता गीता आस्था सबको टेनिस पोलो आता। ठीक है, इट्स अ गुड mnemonic। मेटलॉइड्स को ध्यान में रखने के लिए, बाकी फिर आपको ध्यान में रहेगा बाकी सब नॉन मेटल्स हैं, लेफ्ट राइट राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सबके सब मेटल्स कैटेगरी में डाल जाएगा। ठीक है, यहां तक का पार्ट क्लियर है? अभी याद हो रही है कुछ कुछ चीजें? हाँ, क्या कह रहे हो गौरव? शुड बी राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लैंथेनाइड सीरीज एज 14 और 15? 14 लैंथेनाइड्स में 14 एलिमेंट्स है, एक्टिनाइड्स में 14 एलिमेंट्स है। ठीक है सर, हमें ये सब कब तक याद करना? सो विद टाइम व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है, एक तो बहुत सिंपल सा तरीका तो है दैट यू शुड हैव अ पीरियोडिक टेबल इन योर स्टडी रूम। ठीक है, दीवार पे लगा होना चाहिए या आपकी टेबल पे बिछा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको रेफर करना पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट बार बार रेफर करना पड़ेगा, इसमें स्पीड भी बहुत मैटर करेगी। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था दैट वी आर एंटरिंग इन टू दिस चैप्टर, एंड इस चैप्टर से हमारी एक्सपेक्टेशन होगी दैट इट बिकम्स अ स्कोरिंग चैप्टर फॉर अस, which saves a lot of time that can be then utilized in lengthier questions. Periodic properties ऐसा chapter होगा ना, इसका question आपके सामने आएगा, आप देखोगे solving तो कुछ करनी होगी नहीं, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, तो question will take hardly some seconds for you to answer. Now in order to increase that speed, आपसे expectation twofold रहेगी, not just the fact that आपको ये elements के positions याद है, बट ऑल्सो यू आर एबल टू रिकलेक्ट देम फास्ट। ठीक है, तो कल को मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ इंडियम कहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपको ऐसे मतलब फटाफट याद आना चाहिए कि इंडियम कहाँ पे होता था। मतलब ऐसा नहीं कि फिर आप याद कर रहे हो, अच्छा ये पेन पेपर लिखने बैठ रहे हो कि ये अल्कली था, ये अल्कलाइन था, फिर बोरॉन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली, एंड देन आपको समझ में आएगा कि अच्छा नहीं बोरॉन फैमिली में आ गया था इंडियम। ठीक है, दिस ऑल शुड हैपन रियली फास्ट एंड इट टेक्स टाइम, but there is no shortcut. You will need to put yourself in that situation that आपको ये recollect करना है, बार बार recollect करना है while solving questions. तो आप ये mnemonics की help से काफी fast याद रख पाओगे. So atomic number भी याद करना होगा? नहीं नहीं, atomic number ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है. Just the location of the element and of course their symbol. ठीक है? इतना part समझ में आया आप लोगों को? Sir, why have we not marked boron as a metalloid? Boron NCERT में हमने non-metal category में डाला हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको non-metal की तरह ही treat कर लिया है। ठीक है, I agree with your doubt, with the controversy. However,
बिकॉज एनसीईआरटी में इट इज देयर मार्क्ड एज नॉन मेटल, हम लोगों ने यहाँ पे नॉन मेटल कैटेगरी में डाल दिया उसको. ठीक है, इज दिस क्लियर विद एवरीवन नाउ? अब अगर आपने निमोनिक्स लिख लिए हैं तो एक क्विक प्रैक्टिस करते हैं. एंड मुझे ये एलिमेंट्स लोकेट कर करके आप लोग चैट पे लिखो. चैट में, हाँ चैट पे, डोंट स्पीक आउट लाउड. ठीक है, एंड डोंट गो एलिमेंट बाय एलिमेंट. यहाँ पहले ये देख लिया, फिर वापस टेबल रेफर कर लिया और फिर ये एलिमेंट देख रहे हैं, फिर ये देख लिया. ऐसा मत करो, टेक योर टाइम. ठीक है, गो बैक एंड रीड द टेबल, ट्राई टू रिमेंबर द निमोनिक्स एंड देन एक साथ आंसर करने की कोशिश करो. ठीक है, और इससे अच्छा लिख के व्हाट्सएप पे भेज दे, क्योंकि बहुत एलिमेंट्स है ना. मतलब लिख के व्हाट्सएप पे ऐसे, like we can write in a notebook and then send you the photo of the elements, because both elements are to chat pe bahut difficult ho jayega likhna. ha ha ha, jaisa bhi aapki ichcha hai. matlab whatsapp ki jagah aap yahi pe chat pe paste kar do na. aur wo photo ki baat kar rahe hain. ha ha, main samajh gaya, photo bhi to aata hai yahan pe. theek hai, anyways matlab zaruri nahi hai ki aap mujhe bhejo, aap apne paas likh ke rakh lo. and what we will need to do is test it out whether you are able to retain or not. ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये 15 पूछे हैं तो 15 में से 10 भी याद आते हैं, 5 भी याद आते हैं, तो भी आपको एक फीडबैक मिलेगा कि ठीक है मुझे कितनी और मेहनत करने की जरूरत है. ठीक है, बट डू इट इन वन गो. ठीक है, डोंट ट्राई टू गो एलिमेंट बाय एलिमेंट. इसलिए मैं कह रहा हूँ टेक 5 मिनट्स, आराम से इसको याद करो. ठीक है, जल्दबाजी मत करो. स्पेंड योर टाइम इन ट्राइंग टू रिमेंबर दिस, रिवाइज द मेमोनिक्स. ठीक है, कीप दोज मेमोनिक्स हैंडी एंड देन एक साथ और आंसर करने की कोशिश करो. सर, सिर्फ प्रोटॉन नंबर, मतलब सिर्फ एलिमेंट या सिर्फ और एलिमेंट एंड प्रोटॉन नंबर? नहीं, एलिमेंट, बस एलिमेंट बताना है, एलिमेंट और उसका सिंबल बताना है आपको. दैट्स इट सर. एंड ये एफ ब्लॉक के भी याद रखना है, रहने दो. ठीक है, एफ ब्लॉक का लेट इट बी राइट नाउ. ओके सर, डोंट नीड टू वर्क विद एफ ब्लॉक राइट नाउ. ठीक है, आप उतना ही कर लो, बस काफी अपने लिए.
पर डी ब्लॉक के सिंबल्स कैसे डिनोट करें, वो लैपटॉप के कीज में नहीं है? नहीं नहीं ठीक है, पेन पेपर पे लिख लो ना, मैं ऐसे थोड़ा ना कह रहा हूँ दैट आपको चैट में भेजना है. सी द रीजन व्हाई आई वांट यू टू डू इज इट इन वन गो इज आई वांट यू टू टेस्ट दैट आप लोगों को एक बार में लाइक कितना अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, कितना रिटेन रह पाता है. सर मैं चैट में लिख रहा था, बाकी सब तो हो गया, खाली डी ब्लॉक का लिखना बाकी है. हाँ तो व्हाट्सएप पे भेजो. सर मैंने तो सिंग यूरो साई पाउंड से लिखा. नहीं ठीक है आप लोग लिख लो एक बार, फिर हम लोग देख भी लेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे. आप चेक करना कितने याद रख पाए. मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है सर, मैंने जूम पे ही भेज दिया फोटो पे. ठीक सो यहाँ पर अब कैसा रहेगा, हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं. दिस विल बी लिथियम, सोडियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, ये निकल, कॉपर, जिंक. निकल के नीचे क्या आता था, ये पैलेडियम, पीडी, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, 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 ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, राइट, एंड देन दिस वाज द थैलियम, 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 ठीक है, लेड, बैंगन, बाजर, लेड, थैलियम है क्या? केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम्स, लेड, थोड़े से मैं आंसर रब कर रहा हूँ. सर एक डाउट है. हाँ हाँ बोलो. सर आपने जो ये डी ब्लॉक जो लास्ट कॉलम्स है आपने उनको ऐसा बांटा क्यों, समझा नहीं मुझे. वो रेडियो एक्टिव हो गए ना. अच्छा रेडियो एक्टिव में हम लोग जनरली ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं अभी, ठीक है. अच्छा जस्ट गिव मी वन मिनट, आई विल क्विकली रब द आंसर्स ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड इट विल बी अ रीकैप ऑफ things that we had seen previously. चल फटाफट बता दो क्या क्या आंसर रहेंगे इसमें. अरे बोल दें पीछा. नहीं नहीं मतलब चैट पे लिखो ना, ए किससे मैप करेगा, बी किस, और एक साथ देना, मतलब ए का अलग बी का अलग ऐसा मत देना, ठीक है.
सर फर्स्ट ब्लॉक में कुछ फर्स्ट सर फर्स्ट कॉलम में कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं है ना? नहीं, फ्रांशियम है ना. ओके सर, फ्रांशियम रेडियम ये सब रेडियोएक्टिव ही है. लास्ट लाइन है वो सब रेडियोएक्टिव. All right. So, काफी सारे बच्चों ने आंसर्स दे दिए हैं दोनों के. एक एक करके देखते हैं. सो पहला वाला जो है ए, ये किस किस से मैप करेगा? है ना, क्यू से भी मैप करेगा, लाइक बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैप कर रहे हैं. अल्कली मेटल भी है बट रेडियो एक्टिव नहीं है. ठीक है, ये बेसिकली लिथियम हो गया. 37 कौन सा हो जाएगा एलिमेंट? रुबिडियम शायद. सो रुबिडियम यहाँ पर 37 वुड बी बिलो पोटेशियम. हाँ सर, दिस विल बी रुबिडियम ओनली. करेक्ट. तो ये आपका अगेन पी ब्लॉक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अल्कली मेटल है बट नॉन रेडियोएक्टिव है. व्हाट अबाउट 56? बेरियम होगा ना, स्टॉन्ट होता है. बेटा मांगे कार स्कूटर. हाँ सर, बेरियम ही है. आप और ठीक है, बेरियम होगा. करेक्ट, बेरियम आ जाएगा ये. तो ये एस ब्लॉक है एंड एनएस 1-2 है बट दिस इज नाइदर एन अल्कली मेटल नॉर इट इज रेडियो एक्टिव. यस सर. ठीक है, एंड देन द लास्ट वन 88 ट्रांशियम. ट्रांशियम थैंक्स. इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना, मतलब मुझे ऐसे एटॉमिक नंबर लोकेट करना होता है तो मैं नोबल गैसेस को रेफरेंस में लेता हूँ. ठीक है, दैट इज योर हिंट. नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से मुझे समझ में आएगा कि 88 वापस अल्कली मेटल है और रेडियम है. ठीक है, तो ये मेरा एस ब्लॉक में है डेफिनेटली. एनएस 1-2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है एंड यस इट इज रेडियोएक्टिव. इट इज नॉट अल्कली मेटल, इट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है, ऑलराइट. ठीक है, नाउ अब इसके बाद में वी हैव ये कौन सा हो जाएगा 15, ये फास्फोरस हो जाएगा. यस सर. ठीक है, तो ये पी ब्लॉक में है. इट इज नॉट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. फॉस्फोरस थोड़ा लिक्विड होता है. ठीक है,
ना ही ये हैलोजन है ना ही ये मेटल है, ठीक है। 31 कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? ये गैलियम, जिंक के जस्ट अपना मतलब गैलियम हो जाएगा, राइट। गैलियम इज पार्ट ऑफ पी ब्लॉक, यस। गैलियम इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यस, ठीक है। ये बेसिकली इसके लिए एनसीईआरटी देखना, ठीक है। देन हैलोजन नहीं बट मेटल की कैटेगरी में डाला जाता है, यस, गैलियम इज अ मेटल ओनली, ओके। देन 35 कौन सा हो गया? ब्रोमीन, 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 राइट। ब्रोमीन मेरा पी ब्लॉक में है, यस। इज इट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? यस, इट्स लिक्विड नॉन मेटल, यस, एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन। Is it a halogen? Yes. Is it a metal? No. Yes. Bromine metal थोड़ा ना होता है। अरे नहीं, bromine तो halogen में yes बोला। Halogen में yes कहता है। अच्छा, 85 कौन सा हो गया? Astatine शायद। Astatine। हाँ, astatine। 86 के just पहले, 86 मेरा noble gas था ना? Yes। तो अच्छा। Astatine हो गया। Enan। ठीक है। तो P block में होगा, yes। Liquid room temperature नहीं, then halogen में yes, it is kept in the halogen group, and is it a metal? Well, that's the condition under study है ना तो metal और sorry, हाँ तो under study है तो halogen ऐसा mention नहीं किया ना, हाँ astatine को, हाँ sir. Sir, astatine isn't a halogen. It's just put in that group because its valency one. Valence. Yes, sir. हाँ, but उसको halogen family में तो डाली देते हैं ना, like जो halogen group है. It is not showing properties. तो तुमने school में सिखाया कि वो halogen नहीं होता. हाँ, sir. Under study अभी तो. हाँ, sir. अच्छा, controversy है. तो controversy में हम लोग क्या करते हैं? NCERT follow करते हैं. NCERT follow. So, NCERT में हम लोग देखें astatine के बारे में कुछ बोला जा रहा है क्या? Astatine, NCERT, some in या तो P block में लिखा होगा या फिर periodic properties में लिखा होगा, ठीक है। तो अगर मैं P block elements में जाता हूँ, मैं एक सेकंड ना आपके सामने, लेट मी टेक यू थ्रू द जर्नी, ठीक है। ये पी ब्लॉक है, इसमें एस्टेटिन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17, दे आर कलेक्टिवली नोन एज हैलोजेंस, ठीक है। तो एंड एस्टेटिन के बारे में बोला जा रहा है, इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑल्सो, इतना ही है पूरे के पूरे इसमें, ठीक है। बाकी ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी देख लेते हैं, अगर एस्टेटिन के बारे में कुछ कहा जा रहा हो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो इतना सही है, बस इतना ही लिखा है एस्टेटिन के बारे में, और कुछ है नहीं। तो हम तो स्टेटमेंट के हिसाब से हैलोजन में डालेंगे अभी, बाकी आपके स्कूल वाले जाने। हमें तो एनसीईआरटी ने क्या बता दिया? हैलोजन है। हैलोजन, ठीक है, ऑलराइट। एंड ऑफ कोर्स मेटल नहीं है, मेटलॉइड की कैटेगरी में डालते हैं इसको। तो ये समझ में आया कैसे करना है सर? हाँ, 1-2 मैपिंग में मार्किंग सिस्टम कैसा होता है? सो रिसेंटली क्या हो गया ना, रिसेंटली व्हाट दे हैव डन इज दैट दे डोंट गिव 1-2 मैपिंग क्वेश्चंस। इसके नीचे वो ऐसे 4 ऑप्शन बना देते हैं और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है जिसमें लाइक मैपिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। अदरवाइज जब स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, तो इसमें वैसा ही कॉन्सेप्ट था जैसा 1 or more than 1 चॉइस में रहता है, दैट अगर आपने लाइक मार्क करा, पार्शियल मार्किंग नहीं था, मतलब इसमें लाइक ऑप्शन लेवल पर पार्शियल मार्किंग नहीं था, ओवरऑल में था,
सो फॉर एग्जांपल जैसे आपने इनफैक्ट शायद उसके एक साल पहले जब नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत ही क्रूअल था लाइक कि पूरा का पूरा नेगेटिव मार्किंग भी थी ना इसमें क्या कह रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं आती क्या इसमें क्या आती है मतलब एडवांस पेपर सेट के ऊपर दो बार नहीं मुझे जैसा याद आ रहा है अब तो तुमने पूछ लिया है तो मैं थोड़ा सा खुद भी क्यूरियस हो गया हूँ इसकी मार्किंग कैसी होती आजकल तो देखो हटा दिया इसमें से पहले कैसा होता था अब क्या फॉर्मेट हर साल चेंज होता रहता है तो जे एडवांस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इफ आई पुट ठीक है तो इसमें आई थिंक 2007 में या 8 में आई थिंक पहली बार ऐसे इंट्रोड्यूस करे थे एक बार नोटिस कर लेता इसमें मार्किंग स्कीम कैसा था सर किसकी बात कर रहे हो आप इसमें नहीं यार मार्किंग स्कीम नहीं दिया मतलब दिया मतलब इसमें नहीं दिया इस पीडीएफ में दूसरा कोई पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा तो ऐसा होता था ठीक है मतलब ये मैच द कॉलम है ठीक है और ओएमआर ऐसा बना हुआ आता था पहले कंप्यूटराइज नहीं था ना ओएमआर में ऐसे बबल फिल करने होते थे ठीक है एंड आई थिंक इसका मार्किंग स्कीम उन्होंने दिया नहीं है मतलब इधर हटा दिया मार्किंग स्कीम बट आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर मतलब इसमें अगर एक भी गलत हो जाता था तो पूरा ही गलत हो जाता था शायद पार्शल था एक बार इसका स्कीम देखना पड़ेगा 2007 का है ना ये जे एडवांस्ड 2000 क्वेश्चन पेपर इसका देखें ये रेजोनेंस वाले जनरली इंस्ट्रक्शन वगैरह में डाल के देते हैं एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लॉगिन करना पड़ेगा जे प्रीवियस कितना पुराना तक दे रखा है 2010 तक ही दे रखा है सर पेस में नहीं है क्या ये गुड जोक तुमने देखा है पेस का वेबसाइट हाँ सर आर्ट का वर्क नहीं लगता तुम्हें देख के तुमने स्टेप अप खेला है कि नहीं खेला है सर बकवास है सर नहीं सर नहीं खेला सर फाउंडेशन बिल्डर में फोर्स करके अभी नहीं खिलवाया क्या तुम लोगों को स्टेप अप नहीं सर आप सच्ची के बोलो सर आपको वो ऐप पसंद है क्या आप ऑनेस्टली बोलो स्टेप अप इज एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट ओ अच्छा यू मस्ट सर लेकिन उसको गेम नहीं बोल सकते हैं सर वो गेम से बहुत दूर है हाँ तो इसमें देखो यहाँ पर ही इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं टू कॉलम्स हैव टू बी मैच विद ईच क्वेश्चन 36 मार्क्स एंड मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इफ ऑल फोर पार्ट्स आर करेक्टली मैच्ड सब पार्शियल मार्किंग नहीं है इसमें पार्शियल मार्किंग नहीं है ऑल्दो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है बट पार्शियल मार्किंग भी नहीं है ओनली व्हेन ऑल फोर पार्ट्स आर करेक्टली मार्क तभी उसका नंबर मिलेगा तो ये भी ब्रूटल था मतलब चारों के चारों मैप कर पाना वाज अ मतलब अपने आप में तो इट वाज लाइक तुम समझ रहे हो कि एक क्वेश्चन में चार वन और मोर देन वन क्वेश्चन हो गए हां सर सर कितने मार्क्स का होगा वो 6 मार्क्स का था सर एक मिस हो गया लेकिन रॉन्ग नहीं किया तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा नहीं नहीं तो भी नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तो उस टाइम पे ज्यादा था बट आई थिंक अभी चेंज कर दिया इसी लर्नर फॉर्मेट बिकॉज़ दे रियलाइज कि मतलब कुछ ज्यादा ही क्रूअल है तो दे हैव चेंज्ड दिस एंड नाउ व्हाट दे डू इज दैट अब जैसे आप रीसेंट पेपर्स देखोगे ठीक है तो आई थिंक आपने कौन से ईयर में गया था पिछले 2 साल से तो नहीं पूछा है ठीक है कहां गया वो
पिछले दो साल से तो नहीं पूछा है बट आई थिंक 2018 के पेपर में था, 2018 के पेपर में आई थिंक वन और मोर देन वन। तो आपने कौन से ईयर में दिया? मैंने 2007 में। नहीं इसमें नहीं है, शायद ऊपर गया। नहीं 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 पेपर टू में हो सकता है, देखते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सर आप बंसल कोटा में ही थे ना? हाँ सर। तो सिंस कोटा वाज योर होम टाउन, मतलब आप वो उधर के हॉस्टल में रहते थे कि आप अपने नॉर्मल घर पे रहते थे और फिर बस क्लासेस में? घर पे रहता था। अच्छा सर, मतलब कई बच्चे ऐसा भी करते थे, दे यूज्ड टू, मतलब जिनके घर में मतलब ऐसा कंड्यूसिव माहौल नहीं होता था कि जॉइंट फैमिली है, कमरे लिमिटेड है, शोर बहुत रहता है, तो फिर दोज पीपल यूज्ड टू इवन टेक अप ऐसे अलग से सेपरेट रूम्स। ठीक है, बट थैंकफुली आई हैड अ रूम टू माई सेल्फ एंड दैट टू वो थोड़ा सेक्लूडेड पोर्शन में था, तो इतना तो जब ये वाला देखो इसमें कैसा हो गया, आप रादर देन इंडिपेंडेंटली डूइंग दिस व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव क्रिएटेड ऑप्शंस। ठीक है, एंड नाउ दिस हैज बिकम मोर इजी क्योंकि आपको इनमें से चार ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है और आपको काफी सारी हिंट मिल जाती है मतलब एलिमिनेट करने के लिए। तो अब ये क्वेश्चंस लाइक एक्स्ट्रा स्कोरिंग हो गए, पहले एक्स्ट्रा डिफिकल्ट थे अब एक्स्ट्रा स्कोरिंग हो गए थे, बट अब पिछले दो साल से ऐसे देना बंद कर दिया। ठीक है, आई थिंक आई विल हैव टू डबल चेक दो, आई थिंक 1920 में ये वाला ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। दे आर मोर नाउ आस्किंग न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव इन नेचर। सर हम लोग का जो मेजर टेस्ट होएगा उसमें भी यही पैटर्न रहेगा ना, मतलब सेक्शन 1 सेक्शन 2 और कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जैसा टीडब्ल्यूटी रहता है वैसा होएगा? ए मतलब एडवांस एडवांस बेसिस पे होगा, मतलब उसमें सिंगल चॉइस भी आ सकता है, वन और मोर देन वन चॉइस भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इंटीजर टाइप भी आ सकता है। देखो हर साल एडवांस में भी वेरी हो जाती है चीजें, मतलब आप पिछले अभी 5 साल के पेपर देखोगे ना। हां सर, एसीपी सर ने बोला था कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या पूछेंगे। 2015 में तो मैच द फॉलोइंग में भी नेगेटिव मार्किंग थी। हाँ, सो आपके साथ में क्या होगा ना, यू विल नीड टू बी वेरी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ यू नो रीडिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बिकॉज कितने क्वेश्चंस क्या मार्क्स के हैं, इंटीजर पूछा है कि न्यूमेरिकल पूछा है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ये सब चीजें ऑन द स्पॉट कैप्चर करनी रहेगी क्योंकि हर साल चेंज हो रही है। ठीक है, यस सर, ऑल राइट, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखो फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आई शुड नॉट से फर्स्ट हाफ, आई थिंक से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, वेयर इन वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब वी आर एंटरिंग इनटू दैट पार्ट ऑफ द चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टडी सर्टेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज व्हिच इन्फ्लुएंस हाउ एलिमेंट्स बिहेव इन जनरल इन लैब सेटअप। Right. Some element behave as metals like trying to lose electrons, some elements behave like trying to gain electrons, right? They make acidic oxides or basic oxides, like what is it that influences such macroscopic behavior, wo fundamental properties ka isme discussion rahega. Theek hai, to isme hum log ye 5 fundamental properties rahengi jinka majorly discussion karenge. Theek hai, size of atom, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो हर एक में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, हम लोग हर एक प्रॉपर्टी को देखेंगे कि उसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इट मींस, देन व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट दीज प्रॉपर्टीज। सो देयर विल बी सम बेसिक फैक्टर्स दैट विल बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टी, कि ये प्रॉपर्टी ऐसे कौन से फैक्टर्स पे
डिपेंड करती है, और इन फैक्टर्स के बेसिस पे फिर हम लोग ट्रेंड्स ड्रॉ कर पाएंगे कि वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रेंड्स में लाइक अक्रॉस अ पीरियड या डाउन द ग्रुप, ठीक है, कैसे प्रॉपर्टी वेरी कर रही है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है. वी विल नॉट डू रैंडम कंपैरिजंस, ऑल्दो समटाइम्स यू माइट कम अक्रॉस रैंडम कंपैरिजंस, बट मोस्ट ऑफ द कंपैरिजंस विल बी डन आइदर अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट और इन अ ग्रुप कॉलम टॉप टू डाउन, ठीक है. देन ट्रेंड समझना फिर भी आसान काम रहेगा. द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग एज यू कैन सी ओवर हेयर आर एक्सेप्शंस, ठीक है, क्वेश्चंस तो एक्सेप्शन से ही बनेंगे, ठीक है. मेजरली यू विल नीड टू रिमेंबर द एक्सेप्शंस एंड देन द रीजंस एसोसिएटेड विद इट, ठीक है. तो इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है. इन ऑर्डर टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करेगा. इन ऑर्डर टू बी कॉन्फिडेंट इन क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, यू मस्ट रिमेंबर द एक्सेप्शंस फर्स्ट, ठीक है. जो नॉर्मल ट्रेंड्स हैं वो बाद में स्ट्राइक करने चाहिए, ठीक है. और मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्टडिंग अ प्रॉपर्टी देन रीडिंग द ट्रेंड्स एंड बीइंग सैटिस्फाइड कि हाँ प्रॉपर्टी समझ में आ गई, लेफ्ट टू राइट कैसे जा रही है, टॉप टू डाउन कैसे जा रही है, समझ में आ गया, हो गया. बट वो सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन इज अ फॉल्स सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन क्योंकि क्वेश्चन तो एक्सेप्शन से ही बनेंगे. अनलेस यू रिमेंबर दोज एक्सेप्शंस देर इज अ गुड चांस दैट आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे एंड देन यू विल लूज दैट कॉन्फिडेंस इन द चैप्टर, ठीक है. विद प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे समझ में आएगा व्हेन आई विल स्टार्ट गिविंग यू होमवर्क फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है. यू नीड टू रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करी जा रही है, एंड वो समझते ही आप पहले उस प्रॉपर्टी के एक्सेप्शंस याद रखोगे, ठीक है. यू विल ट्राई टू रिसाइट कि हाँ इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस कराए थे, बताए थे, वो जब आपको याद आ जाएंगे फिर आप ऑप्शंस रीड करना, फिर आप आंसर करना, ठीक है. यू विल बी इन अ मच मच बेटर पोजिशन, ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स सर्टेन प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशंस भी हम लोग देखेंगे, नॉट ऑल ऑफ देम बट यस फॉर सम ऑफ देम एप्लीकेशंस विल आल्सो बी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो एक आइडिया लगा ओवरऑल कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे अब. हाँ सर, ठीक है. हाँ सर. सर हाँ बोलो. सर इसमें जैसे कि ये सब जो है टेंस, इन सब की वैल्यूज भी होती है आईपी की और सब की, तो वो सब भी लर्न करने की जरूरत है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वैल्यूज वगैरह नहीं याद करनी है, ठीक है. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग ईच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वन बाय वन इन डिटेल, एक क्विक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है. देर आर दीज टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स के बारे में बात करी ना, तो ये जो ऊपर सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे ना, उनमें दो फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन रहेंगे, ठीक है. दे विल बी लाइक मेजरली इन्फ्लुएंसिंग अ लॉट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. एक रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एंड दूसरा रहेगा समथिंग कॉल्ड एज जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. नाउ व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे नोटिस करना, जब हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज दैट आउटर इलेक्ट्रॉन दे डोंट एक्सपीरियंस कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है. कैसे इसका अंडरस्टैंडिंग में आपका हेल्प करता हूँ डेवलप करने में, आप नोटिस करना, हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी आपको आता है? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. 3.6 सीवी. बोर्स मॉडल आपने ये कैलकुलेट भी करा था एंड देन आपने ये वैलिडेट भी करा एक्सपेरिमेंटली, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लगता है, ठीक है. व्हाट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, ठीक है, नॉट हीलियम प्लस आयन, आई एम आस्किंग यू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम. सर बोर्स मॉडल का ये तो खाली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. हाँ सर. यस
ये जो था ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही था, ठीक है, बट जब हम लोग वैल्यू नोटिस करते हैं, ठीक है, हीलियम में कैसा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड दो इलेक्ट्रॉन्स राइट फर्स्ट ऑर्बिट में ही प्रेजेंट होते हैं दोनों, ठीक है, तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अगर मैं लेट से बोर्स मॉडल का भी फॉर्मूला यूज करूं तो व्हाट आई फाइंड इज दैट द एक्चुअल आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेसर देन दैट. जैसे हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन जो था वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही था, हीलियम में भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही है. तो एज पर बोर्स मॉडल एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग ये पुट कर सकते थे कि जो आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हीलियम है वो 13.6 इनटू जेड स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से हम लोग देख सकते हैं, बट व्हाट वी एक्चुअली फाउंड वाज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम वाज लेसर देन दैट. व्हाई इज इट लेसर देन दैट? ये जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, बट जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है that is also playing a role now. How is it playing a role? ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है this is actually reducing the nuclear charge that is experienced by this electron. ठीक है, it is kind of you can say screening or shielding the nuclear charge. ठीक है, the nuclear इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, यहाँ पे पूरे के पूरे दो प्रोटॉन्स का पुल नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इट इज लाइक काइंड ऑफ स्क्रीनिंग. ठीक है, इट इज नॉट लेटिंग दैट आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द कंप्लीट पुल ऑफ द न्यूक्लियस. तो दोनों एक दूसरे को करेंगे, दोनों एक दूसरे को करेंगे. ठीक है, तो कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन आप पकड़ लो, ठीक है, बिकॉज बोथ इलेक्ट्रॉन्स हियर आर आइडेंटिकल ओनली एक्सेप्ट फॉर देयर डिफरेंट स्पिन, बट अदरवाइज उसका एन एल एम एल ये सब वैल्यू सेम ही है. तो दोनों में से कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन हम निकालने की कोशिश करेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी लेस देन 13.6 इनटू 2 स्क्वायर. ठीक है, so the effective nuclear charge that they are experiencing is lesser than the nuclear charge. Okay, and we describe this as z minus something. That minus something is called as screening or shielding. That is because of the outer, that is because of the inner electrons. Okay, for example, if I ask you to take an estimate of it, okay, ye question try karke aap iska sigma ka value estimate karne ki koshish karo for helium. क्वेश्चन एक बार पढ़ो और ट्राई करो, एंड दैट विल बी द लास्ट थिंग दैट वी विल डू टुडे. एस्टिमेट सिग्मा फॉर हीलियम, एंड आई डोंट माइंड यू यूजिंग अ कैलकुलेटर बिकॉज़ डेटा इतना अच्छा नहीं है. ये z माइनस सिग्मा का आंसर है, मतलब वो सब. तो z इफेक्टिव जो है वो हमने बोला इट इज लेस देन z. यस वो ठीक है, तो मैंने बोल दिया z इफेक्टिव जो होगा वो z माइनस समथिंग होगा. हाँ सर, दैट समथिंग को हम लोग सिग्मा सिंबल बोल रहे हैं. ओके, सिग्मा को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट. ठीक है, व्हिच इज बिकॉज ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़ के ट्राई करो दैट हाउ मच शील्डिंग और स्क्रीनिंग इज बीइंग कॉज्ड बाय दिस अनदर इलेक्ट्रॉन इन हीलियम. So the 3.94 into 10 to the power minus 18, that's the actual energy, right? That is taken. Yeah, yeah. Okay, sir.
So can you check my answer? हाँ, इसमें नहीं तो आप लोगों ने क्या निकाल लिया, आप लोगों ने तो कैलकुलेट द सिग्मा निकालना था ना सर। आंसर क्या? अरे मतलब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बेसिकली हम लोग ये वाला फॉर्मूला जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का Z की जगह उसमें Z माइनस सिग्मा यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई थिंक आपने EV और इसका इंटर कन्वर्जन नहीं लिया जूल का। ओ अच्छा, ये सुना था 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये लो ना एक बार और अब मुझे निकाल के बताओ सिग्मा क्या आ रहा है। सर कन्वर्जन क्यों करना है? अरे लेफ्ट हैंड साइड जो एनर्जी दी है वो तो जूल में है और ये जो फॉर्मूला होता था, ठीक है, यहां से यहां तक का वाला ये ईवी का होता था ना। सर इक्वेशन में ऑलरेडी कन्वर्टेड है ना। हाँ तो मैं, अरे यूज नहीं करा ना बच्चों ने। अच्छा जो जो आंसर दिए हैं मुझे तो उन्होंने यूज ही नहीं करा, ये 1.6 into 10 के बाद माइनस 19 खाई गए वो। तो इससे आप सॉल्व करोगे तो आपका Z माइनस सिग्मा जो है 1.35 आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा का वैल्यू 0.65 आएगा। हाँ सर आ गया। हाँ यस आगे रोल ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है they are playing a role. Yes, sir. ठीक है, you can think of in a very simple way that electrons repel कर ही रहे होंगे outer electrons को, right? अब उसको कैसे quantify करा? By trying to think of it in this way that whatever be the problem that electrons are causing, वो हम लोग ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स आरेंट एक्सपीरियंसिंग द कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा गॉट इट सर। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इज गिविंग अस दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आया अभी? चलो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा आगे इससे कंटिन्यू करेंगे इसी में। थैंक यू सर। थैंक यू। आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत होमवर्क पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में रहेगा वो आप भेजना शुरू करता हूँ। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। ओके बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, बाय सर, हैव अ गुड डे सर। हाँ बोलो सर। तो आज आप इससे रिलेटेड कुछ दे रहे हो होमवर्क? हाँ। ओके सर, थैंक यू।